फ्रेंड आज है संडे और संडे स्पेशल में मैं आप लोग के लिए अपकमिंग इवेंट की वीडियो लेकर आ चुका हूं। जी हां फ्रेंड, आज है 21 अप्रैल और भाई 30 अप्रैल तक यानी कि 9 दिन के बीच में जितने भी इवेंट आने वाले वो सब कुछ कंफर्म हो चुका है। टोटल 9 इवेंट कंफर्म हो चुके हैं और 9 दिन भी रह गए हैं 30 अप्रैल आने में, मतलब समझ रहे हो। तो मतलब कि 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में यानी कि 9 दिन के बीच में 9 इवेंट आने वाले हैं। 9 के 9 इवेंट कंफर्म हो चुके हैं। कुछ इवेंट फ्री इवेंट है और कुछ इवेंट डायमंड वाले हैं, मतलब कि आपको फ्री रिवॉर्ड भी मिलेगा, डायमंड वाले इवेंट भी आने वाले। कौन कौन से इवेंट है सब कुछ मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में करा दूंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा मस्त है, काफी टाइम के बाद मैं अपकमिंग इवेंट लेकर आया हूं आप लोग के लिए। वीडियो को एंड तक देखते रहना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो सबसे पहला इवेंट निकल कर आ रहा है वो है हम लोग का बनी बंडल का इवेंट। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग का एक बनी बंडल का रिंक इवेंट आने वाला है जिसके अंदर आप लोग को भाई 4 कलर में बनी बंडल देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, 3 बनी बंडल तो वही वाले बनी बंडल रहेंगे जिसको अपने राइ स्टार भैया खेलकर मतलब की गेम प्ले करते हैं, खेलते हैं, वो वाले बनी बंडल आप लोग को देखने को मिलेंगे अलग अलग कलर में, रेड वाला, येलो वाला, ब्लू वाला। एंड चौथे नंबर का जो बनी बंडल होगा वो थोड़ा अलग टाइप का बनी बंडल होगा, मतलब की बनी बंडल से जरा हट के होगा, बट ये भी एक बनी बंडल है जो कि आप लोग को इसी रिंक इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि इस रिंग इवेंट के अंदर आप लोग को 4 बनी बंडल देखने को मिलेंगे और ये रिंग इवेंट अपने गेम के अंदर 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आने वाला है। किसी भी दिन किसी भी डेट को आ सकता है, लेकिन अभी इसकी जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही आ रही है कि 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में किसी भी दिन ये इवेंट आ जाएगा एंड ये इवेंट, ये बंडल वगैरह अपने गेम के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट इवेंट कन्फर्म हुआ है वो है हम लोग का भाई गोल्डन शेड बंडल का इवेंट। जी हाँ फ्रेंड, इस इवेंट के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग को बता चुका। ये गोल्डन शेड इवेंट है जो कि हम लोग का एक रिंग इवेंट है जिसके अंदर आप लोग को 3 कलर में गोल्डन शेड बंडल देखने को मिलने वाले हैं। पहला गोल्डन शेड बंडल होगा हम लोग का रेड कलर वाला, दूसरा गोल्डन शेड बंडल होगा हम लोग का येलो कलर वाला एंड तीसरा गोल्डन शेड बंडल होगा हम लोग का ब्लू कलर वाला। ठीक है, ये 3 गोल्डन शेड के जो बंडल है ये एक रिंग इवेंट के अंदर आने वाले हैं अपने गेम के अंदर। एंड इसकी डेट अगर मैं कन्फर्म बताऊँ, इसकी कन्फर्म डेट भी यही है कि 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में भाई, मतलब कि ये 9 दिन है, 9 दिन के बीच में किसी भी दिन किसी भी डेट को आप लोग को ये इवेंट, ये रिंग इवेंट, ये बंडल आप लोग को अपने गेम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा जो भाई नेक्स्ट इवेंट कंफर्म हुआ है वो है भाई हम लोग का G18 ईवो गन का स्किन का इवेंट। जी हाँ फ्रेंड, आप लोग को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट ये सच है, हम लोग की जो छोटी वाली मिनी वाली गन है G18 वो ईवो गन की स्किन आने वाली है जिसका यहाँ पर बैनर वगैरह निकल कर आ चुका है। बैनर में आप लोग साफ साफ देख पा रहे ईवो G18 गन की स्किन आने वाली अपने गेम के अंदर एंड ये गन की स्किन भी आप लोग को 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ही, मतलब कि 2-4 दिन के अंदर ही अंदर आप लोग को अपने गेम के अंदर देखने को मिलेगी और ये एक न्यू इवेंट के अंदर आएगी। इवेंट कैसा होगा वो अभी तक रिव्यू नहीं हुआ है। ठीक है, एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट इवेंट निकल कर आ रहा है वो इवेंट भी काफी ज्यादा कमाल का इवेंट है जो कि है हम लोग का एक न्यू रिंग इवेंट, मतलब कि रिंग इवेंट तो है, इसके अंदर आप लोग को एक न्यू बंडल देखने को मिलेगा और ये इवेंट भी कंफर्म हो चुका है। ठीक है, इसमें मेल का बंडल देखने को मिलेगा, मेल का बंडल देख लो, काफी ज्यादा मतलब मस्त तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक बंडल है और इसके अंदर आप लोग को जो बैकपैक की स्किन वगैरह वो भी देखने को मिलेगी और पेन की स्किन वगैरह देखने को मिलेगी, मतलब कि नॉर्मल सा इवेंट है, नॉर्मल से रिवॉर्ड है इसके अंदर, लेकिन ये रिंग इवेंट भी कंफर्म हो चुका है, बहुत जल्दी अपने गेम के अंदर आने वाला है। इसकी डेट भी कंफर्म नहीं हुई बट हाँ 2-4 दिन के अंदर ही अंदर ये रिंग इवेंट भी आने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे इवेंट कंफर्म हुए जो मैं स्टेप स्टेप बाई बता रहा हूँ एंड आप लोग सुनते रहो। एंड चलो अब इसके अलावा एक और नेक्स्ट इवेंट कंफर्म हुआ है जो कि है हम लोग का इमोट्स का इवेंट। जी हाँ फ्रेंड, आप लोग में से बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे हो इमोट पार्टी इवेंट कब आएगा, इमोट पार्टी इवेंट कब आएगा, तो मैं आपको बता दूँ जो इमोट पार्टी इवेंट आने वाला है उसके अंदर जो इमोट आने वाले वो इमोट का मैं रिव्यू आप लोग को पहले करा दे रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे इमोट निकल कर आए हैं जो कि अपने गेम के अंदर आने वाले हैं एंड न्यू इमोट है। तो चलो मैं सबको आप लोग को पहले न्यू इमोट दिखा देता हूं जो कि आने वाले हैं। तो जो पहला हम लोग का इमोट है भाई जो कि न्यू है बिल्कुल आने वाला अपने गेम के अंदर वो थोड़ा डेविल टाइप का इमोट होगा, यहां पर देख लो लेजेंडरी, काफी ज्यादा मस्त इमोट मेरे को लगा। एंड दूसरे नंबर का इमोट है जो अपने हैप्पी के साथ में थोड़ा खेल कूद रहा है, तो इस टाइप का जो इमोट है। एंड तीसरे नंबर का जो इमोट है वो थोड़ा अपना नाव वाला है, नाव को चला रहा है लेकिन वो आगे बढ़ा नहीं पा रहा है, इस टाइप का फनी इमोट है। और चौथे नंबर का जो इमोट है वो यहाँ पर रनिंग इमोट है, साइकिलिंग वाला, काफी मस्त लग रहा है। एंड इसके अलावा जो पांचवें नंबर का इमोट है वो हॉर्स वाला इमोट है, देख लो हॉर्स के साथ आएगा, काफी मस्त इमोट लग रहा है। छठे नंबर का इमोट है वो थोड़ा फनी टाइप का है, गोल गोल घूम रहा है साइड में, मस्त है। एंड यहाँ पर सातवें नंबर का जो इमोट है वो छड़ी के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा है, थोड़ा जादूगरी वाला इमोट लग रहा है मेरे को। एंड इसके अलावा जो आठवें नंबर का इमोट है जोम्बिस वाला, ये इमोट तो बिल्कुल फ्री में मिल ही रहा है, आप लोग को पता ही होगा पिंक एक टोकन स्टोर इवेंट आया है उसके अंदर आप लोग को ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो नवे नंबर का जो इमोट है वो थोड़ा सा सिंपल सा है, लिफ्ट वगैरह मांग रहा है शायद,
लेजेंडरी नहीं है बट कोई नहीं, यहाँ पर इसके अलावा जो 10वें नंबर का इमोट है वो यहाँ पर ड्यू इमोट है, अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो, काफ़ी मस्त इमोट लगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो 11वें नंबर का इमोट है वो भी सिंपल सा है, कोई लेजेंडरी नहीं है, ताली वगैरह मार रहा है, मस्त है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट का इमोट है जो कि 12वें नंबर का इमोट है वो भी काफ़ी मस्त इमोट है, यहाँ पर देख लो। तो टोटल मैंने आप लोग को यहाँ पर गाइस 12 इमोट आप लोग को दिखा दिए, ये 12 इमोट जिसमें से जोम्बिस वाला इमोट तो बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने और आप लोग को इमोट दिखाया इनमें से कुछ इमोट आप लोग को इमोट पार्टी इवेंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इमोट पार्टी इवेंट में बहुत जल्दी अपने गेम के अंदर आने वाला है। एंड कुछ इमोट आप लोग को इसमें से और फ्री मिलेंगे और कुछ इमोट इसमें से गाइस अभी नहीं आएंगे, कुछ इमोट आएंगे नेक्स्ट मंथ में, जो कि अप्रैल के बाद मई का जो मंथ आने वाला मई मंथ में आप लोग को कुछ इमोट देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारे इमोट अभी एकदम से आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ इमोट आते रहेंगे, ये सारे इमोट आप लोग को बहुत जल्दी अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही वो सब कुछ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एंड इसके अलावा ये अभी आपको बताता हूँ कुछ फ्री रिवॉर्ड के बारे में, मतलब कि कुछ फ्री इवेंट आने वाले जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे। तो पहला फ्री रिवॉर्ड तो यही है कि आपको एक फ्री इमोट मिलने वाला है, और फ्री इमोट मिलने वाला है मतलब कि जितने मैंने अभी आप लोग को इमोट दिखाए थे उन इमोट में से कोई ना कोई इमोट आप लोग को फ्री मिलने वाला है, उसके लिए रेडी हो जाओ। तो पहला रिवॉर्ड तो फ्री इमोट आप लोग को मिलेगा, कौन सा मिलेगा वो आप लोग खुद देख लेना जब आएगा इवेंट निकल कर, वो मैं आप लोग को बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। इसके अलावा जो दूसरा फ्री रिवॉर्ड है वो है कार की स्किन, यहाँ पर देख लो मैं कार की स्किन दिखा रहा हूँ, नॉर्मल सी कार की स्किन है, ज़्यादा लेजेंडरी नहीं है, बट हाँ बिल्कुल फ्री में जो कार की स्किन आप लोग को मिलने वाली है इस इवेंट के अंदर से। ये इवेंट बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा अपने गेम के अंदर, इसके लिए आप लोग रेडी हो जाओ। मुझे पता भी आप लोग सोच रहे होगे कि भाई कार की स्किन बता रहा है भाई, कोई अच्छा रिवॉर्ड बताओ, अच्छा मतलब कि बंडल वगैरह बताओ कि बंडल वगैरह फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर बंडल भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बंडल का इवेंट भी कंफर्म हो चुका है, जो कि मैं ऑलरेडी से पहले एक बार आप लोग को दिखा चुका हूँ। ये ग्रीन कलर का जो बंडल यहाँ पर देख रहा हूँ मेल का, ये बंडल बिल्कुल फ्री में आप लोग को मिलने वाला है, इसके लिए बस थोड़ा सा वेट करो, जैसे इसकी कंफर्म डेट मेरे को मिलेगी वो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को बहुत सारे इवेंट के बारे में बताया, बहुत सारे इवेंट डायमंड वाले इवेंट के बारे में बताया, फ्री रिवॉर्ड के बारे में बताया, ये सारे अपकमिंग इवेंट हैं जो कि 21 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में, इनमें से आधे से ज्यादा इवेंट तो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, बाकी इवेंट आगे पीछे थोड़े हो सकते हैं, लेकिन जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी सब कुछ मैंने आपको बताया। सारे लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं इसी तरीके से कंफर्म अपडेट इवेंट के बारे में आप लोग को बताता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।